लेबनान का हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल पर भीषण हमले कर रहा है और उसके जवाब में इजरायली सेना के लड़ाकू जहाज दक्षिणी लेबनान में घुसकर रॉकेट और मिसाइलें बरसा रहे हैं। दरअसल आईडीएफ हिजबुल्ला के उन कमांडरों की तलाश में है जिनकी अगुवाई में उत्तरी इसराइल पर हमले हो रहे हैं, और इसी कड़ी में इजरायली एयरफोर्स ने 3 जुलाई 2024 को हिजबुल्ला की अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नाहिम नसीर को मार गिराया था। नसीर को आईडीएफ ने एक ड्रोन हमले में अल हाउच इलाके में मार गिराया है। उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी कार में सवार थे, और इसी हमले में मोहम्मद कशाब भी मारा गया है जो हिजबुल्ला का एक दूसरा कमांडर था। नसीर की मौत से हिजबुल्ला को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब हिजबुल्ला इसराइल से बदले की आग में जल रहा है। और इसी बदले की आग में हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के ऊपर करीब 200 रॉकेट और विस्फोटकों से लदे 20 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। यह हमला इतना भीषण था कि सीरियाई गोलन हाइट्स इलाके में सड़कों को बंद करना पड़ा, वहीं खुली जगहों पर आग तक लग गई और इसकी वजह से इन इलाकों में बत्ती भी गुल हो गई। इस हमले को लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि इस बार हिजबुल्ला ने इसराइल के नए सैन्य अड्डों पर हमला किया है। कब्जे वाले गोलन हाइट्स, अपर अल जलील के काफी भीतर सफाद और नहारिया में हिजबुल्ला के हमले हुए हैं। वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने आईडीएफ की नई पोजीशंस जो कफार ब्लम में थी उन पर कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने आयलत बैरिक्स में आईडीएफ की 91 डिवीजन के नए हेडक्वार्टर और 7वीं आर्म ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है जो कत्साविया बैरिक में था। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने 7वीं ब्रिगेड की आर्म बटालियन पर गामला बैरिक और 210वीं डिवीजन पर नाफा बेस में हमला किया है। इसके साथ ही यार्डन बैरिक्स की 210वीं डिवीजन की आर्टिलरी डिवीजन पर भी हमला हुआ है। और हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमने उत्तर को खो दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियन गोलन हाइट्स में हिजबुल्ला के हमलों में आईडीएफ का एक जवान मारा गया है जबकि कई सैनिक घायल हुए हैं। मृतक जवान की पहचान मेजर इटाय गालिये के रूप में हुई है जिसकी उम्र 38 साल थी। वो यिफ्ता रिजर्व आर्म ब्रिगेड की 8679 यूनिट के डिप्टी कमांडर थे। हालांकि इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्ला के कई रॉकेट्स को आयरन डोम ने मार गिराया था जबकि कुछ रॉकेट्स पकड़ में नहीं आ पाए और इन रॉकेट्स और ड्रोन्स की वजह से खुले इलाके में आग लग गई। हाइफा के पास एक मॉल में आग लगने की एक घटना हुई है। वहीं हिजबुल्ला के मुताबिक उसके इन हमलों में आईडीएफ के कई जवान घायल हुए हैं।